प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। टेली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में अभी तक हमने सभी प्रकार की जनरल एंट्रीज को करना सीख लिया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम टेली की सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट डे बुक को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे सारे डेली के ट्रांजेक्शन्स हम डे बुक के माध्यम से देख सकते हैं, या आप सरल शब्दों में ऐसा भी समझ सकते हैं कि जितनी भी एंट्रीज आप करते हैं वो एंट्रीज डे बुक के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। तो आज की क्लास में हम टेली के डे बुक से संबंधित सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। टेली की डे बुक सबसे महत्वपूर्ण बुक है, जैसा कि इसका नाम है डे बुक, जिसे हिंदी में रोज नामचा भी कहते हैं। हमारा रोज का काम, हमारे डेली के सारे ट्रांजेक्शन्स हम डे बुक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। डे बुक को ओपन करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टेली में ही डे बुक का ऑप्शन दिया गया है, आप यहां से डे बुक को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप गेटवे ऑफ टेली में खड़े रहते हुए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स ऑप्शन पर जाइएगा, यहां भी आपको डे बुक का ऑप्शन दिया गया है, आप डे बुक यहां से भी ओपन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट डे बुक में हमने जो लास्ट डेट में एंट्री की है वो एंट्रीज हमें यहां पर डिस्प्ले होती है। यदि हम पर्टिकुलर किसी डेट की एंट्री देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें F2 बटन प्रेस करना है। F2 डेट को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ से हम पर्टिकुलर कोई भी डेट डालते हुए उस डेट की एंट्री को देख सकते हैं। यदि हम पूरे किसी महीने की एंट्री देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऑल्टर के साथ F2 प्रेस करना है, चेंज पीरियड का बॉक्स हमें दिखाई देगा और यहाँ से हम पूरे मंथ की एंट्रीज को प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह से यदि आप पूरे फाइनेंशियल ईयर की एंट्रीज को एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ऑल्टर के साथ F2 प्रेस करना है और यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की सारी एंट्रीज आपको एक साथ देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों डे बुक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम किसी भी एंट्री में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो वो करेक्शन कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, उसे बाद में चेंज कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप अब एक एक करके सारे ऑपरेशन को पढ़ेंगे। यदि आप पर्टिकुलर वाउचर वाइज एंट्रीज को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है F4 वाउचर टाइप। यहाँ आपको सारे वाउचर्स जो आपने इस कंपनी में यूज़ किए हैं उनकी लिस्ट दिखाई दे रही है। मुझे केवल पेमेंट वाउचर्स ही देखने हैं तो मैं पेमेंट वाउचर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने जितना भी पेमेंट किया है पेमेंट वाउचर के माध्यम से, वो सभी एंट्रीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। जैसे मान लीजिए आपको सेल्स की सारे ट्रांजेक्शन देखने हैं तो आप F4 बटन के माध्यम से सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए और सेल्स की सारी एंट्रीज हमारे सामने हैं। यदि आप किसी पर्टिकुलर एंट्री में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप उस एंट्री को सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी आप अल्ट्रेशन करना चाहते हैं वो अल्ट्रेशन यहाँ पर आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर अमाउंट चेंज कर लेता हूँ और इस तरह से आप एंट्री में अल्ट्रेशन कर सकते हैं। और यदि आप किसी पर्टिकुलर एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप उस एंट्री को सेलेक्ट कीजिएगा। एंट्री को सेलेक्ट करने के बाद ऑल्टर के साथ आपको डी प्रेस करना है, डिलीट सेलेक्टेड मैसेज बॉक्स आपको दिखाई देगा, यहाँ से आप यस कर लीजिएगा और पर्टिकुलर एंट्री डिलीट हो जाएगी। यदि आप मल्टीपल एंट्रीज को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल एंट्रीज को सेलेक्ट करना होगा। कोई भी एक एंट्री डेबुक में सेलेक्ट करने के लिए आपको स्पेस बार यूज़ करना है। जैसे हमने फर्स्ट एंट्री सेलेक्ट कर ली है 21 अप्रैल, देन मुझे SBI बैंक की 1 अक्टूबर वाली एंट्री सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए मैं इस एंट्री को सेलेक्ट करता हूँ, देन स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो ये एंट्री भी सेलेक्ट हो गई है। देन मुझे थर्ड एंट्री सेलेक्ट करनी है तो मैंने मल्टीपल एंट्रीज को इस तरह से सेलेक्ट कर लिया है। यदि आप इन सभी एंट्रीज को जो आपने सेलेक्ट की हैं इन्हें डिलीट करना चाहते हैं तो आपको ऑल्टर के साथ फिर से डी प्रेस करना है। अब टैली मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर रहा है डिलीट सेलेक्टेड एंट्रीज, फिर से आप यस प्रेस करेंगे तो जो एंट्रीज आपने सेलेक्ट की हैं वो डिलीट हो जाएंगी। यदि आप एक साथ सभी एंट्रीज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करना है, सभी एंट्रीज एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी और फिर उसके बाद आप उन्हें डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। सेलेक्शन को हटाने के लिए फिर से आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कीजिएगा, एंट्रीज डी सेलेक्ट हो जाएंगी। यदि आप मंथ वाइज या वाउचर वाइज अपनी एंट्रीज को चेक कर रहे हैं और चेक करते समय आपको लगता है कि आपने ये एंट्री चेक कर ली है वाउचर से, आप इस लिस्ट में से उस एंट्री को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और यहाँ पर उसके लिए हमें यूज़ करना होता है कंट्रोल के साथ R बटन। आप देखिएगा फर्स्ट एंट्री जैसे मैंने अभी रिमूव कर दी है, सेकेंड एंट्री बालाजी सॉल्यूशंस ये मैंने रीड आउट कर ली है तो कंट्रोल R से हम यहाँ से इसे रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एंट्रीज हमारे सिस्टम से या हमारी कंपनी से डिलीट हो रही हैं, केवल जिन एंट्रीज को हम रीड आउट कर चुके हैं उन्हें यहाँ से हटाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ R बटन का यूज़ करना है।
सपोज ये सारी एंट्रीज का वाउचर हमारे पास नहीं है, तो इन एंट्रीज को छोड़ते हुए हम डायरेक्टली स्टार कंसल्टेंसी वाली एंट्री को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। तो पर्टिकुलर यही एंट्री हमारे सिस्टम से रिमूव होगी कंट्रोल आर के माध्यम से। अब जिन एंट्रीज को हमने रिमूव कर दिया है, इस लिस्ट से हटा दिया है, उन्हें वापस लाने के लिए हमें कंट्रोल के साथ यू प्रेस करना होता है। यू से वो सभी एंट्रीज जो हम अभी रिमूव कर चुके हैं वो एंट्रीज फिर से यहाँ पर रिस्टोर हो जाती हैं। दोस्तों बिजनेस में कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जिनका रिकरिंग नेचर होता है, हर महीने हमें वो एंट्रीज अपनी बुक्स में पास करनी होती हैं। जनरली जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस से संबंधित एंट्रीज को हमें हर महीने पास करना होता है। मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, उसकी एंट्री मुझे हर महीने पोस्ट करनी है, तो इस एंट्री को आप डुप्लीकेट बना सकते हैं ताकि बार बार आपको एंट्री पोस्ट ना करना पड़े। किसी भी एंट्री की डुप्लीकेट एंट्री बनाने के लिए आपको ऑल्टर के साथ टू प्रेस करना होता है। जैसे आप ऑल्ट टू प्रेस करेंगे वो एंट्री ओपन हो जाएगी, देन आपको जस्ट डेट चेंज करनी है। जैसे मान लीजिए मैं 31 मार्च को एग्जांपल के लिए ये एंट्री पोस्ट कर लेता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे इस लिस्ट में सबसे लास्ट में हमें मैंने जो अभी एक एंट्री पोस्ट की थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरह से जो भी एंट्रीज आपको लगता है रिकरिंग नेचर की है, बार बार पास करनी है, ऑल्टर टू के माध्यम से डुप्लीकेट बनाते हुए पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप किसी भी एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली उस एंट्री को सेलेक्ट कीजिएगा और ऑल्टर के साथ डी प्रेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पर इसके साथ एक प्रॉब्लम और जुड़ी हुई है, क्योंकि यदि आप डायरेक्टली किसी एंट्री को डिलीट करते हैं तो ये जो वाउचर नंबर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये भी चेंज हो जाते हैं। सपोज हमारी ये एक एंट्री है SBI बैंक और इसका जो वाउचर नंबर है सेल्स का ये है 6। यदि मैं इस एंट्री को यहाँ पर डिलीट करता हूँ तो आप देखिएगा ये जो नंबरिंग है उस पर ध्यान दीजिएगा, स्टार कंसल्टेंसी का अभी नंबर है 7 और जब मैं इसे डिलीट करूँगा इसके ऊपर वाली एंट्री SBI बैंक तो क्या होता है आप देखिएगा नंबरिंग यहाँ पर चेंज हो जाती है। देखिएगा आप स्टार कंसल्टेंसी का अब नंबर 6 हो चुका है जो कि पहले 7 था। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया गया है, आप जिस एंट्री को अपने सिस्टम से हटाना चाहते हैं उस एंट्री को आप कैंसिल मार्क कर सकते हैं। कैंसिल करने से हमारा जो वाउचर नंबर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो इंटैक्ट रहते हैं। किसी भी एंट्री को कैंसिल करने के लिए हमें सिंपली उस एंट्री को सेलेक्ट करना है और ऑल्टर के साथ एक्स प्रेस करते हुए उसे कैंसिल मार्क कर देना है। लेकिन एक बार कैंसिल करने के बाद उस एंट्री के अंदर जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया था वो डिलीट हो जाता है और उसके बाद हम इसे वापस से रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए कैंसिल करने से पहले आप नरेशन में उसके बारे में जो भी डिटेल है वो लिख दीजिएगा ताकि भविष्य में यदि आप कभी देखना चाहें कि एंट्री हमने क्यों कैंसिल की थी तो वो आप नरेशन के माध्यम से देख पाएंगे। दोस्तों डेबुक के माध्यम से हम नए वाउचर्स को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सेल्स के सारे ट्रांजेक्शन्स को चेक कर रहे हैं और आपको लगता है कि कोई एंट्री आपसे मिस हो गई है तो उस एंट्री को भी आप डेबुक के माध्यम से ऐड कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारी एक एंट्री है जय इन्फोकॉम के नाम से और इस एंट्री के जस्ट नीचे मुझे एक और एंट्री ऐड करनी है, उसके लिए आप यूज़ कीजिएगा शॉर्टकट ऑल्ट के साथ ए और सेल्स वाउचर हमारे स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। जैसे मान लीजिए एक एंट्री हम पोस्ट कर रहे हैं राकेश मीडिया हाउस के नाम से, तो ऐड वाउचर के माध्यम से जहाँ पर हमारा कर्सर होता है जो एंट्री हम सेलेक्ट करते हैं उसके जस्ट नीचे एक और नई एंट्री इंसर्ट हो जाती है। तो ये हमारी नई एंट्री है राकेश मीडिया हाउस। इसी तरह से यदि आप किसी एंट्री के ऊपर कोई एंट्री इंसर्ट करना चाहते हैं या दो एंट्रीज के बीच में कोई नई एंट्री इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं जॉय इन्फोकॉम और इसके ऊपर मैं एक नई एंट्री इंसर्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए हमें उस एंट्री को सेलेक्ट करना है और ओल्ड के साथ आई प्रेस करना है, इंसर्ट वाउचर। फिर से मैं एक नई एंट्री यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ ब्लू स्टार लिमिटेड और सेम ट्रांजेक्शन यहाँ पर फिर से अप्लाई कर देते हैं 1000 और आप देखिएगा जो एंट्री हमने सेलेक्ट की थी जय इन्फोकॉम उसके जस्ट ऊपर एक और नया वाउचर इंसर्ट हो चुका है। तो दोस्तों एड वाउचर और इंसर्ट वाउचर ये दो यहाँ पर कमांड्स हैं जिनके माध्यम से आप डेबुक से ही वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप एंट्रीज के साथ नरेशन भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको F12 प्रेस करना है। F12 में जो पहला ऑप्शन आ रहा है शो नरेशंस, इसे आप यस कर लीजिएगा तो जिन एंट्रीज में आपने नरेशन पास की हैं वो भी आपको दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस एंट्री में मैंने नरेशन पास की है, इस एंट्री में मैंने नरेशन पास की है। साथ ही साथ यदि आप पेमेंट मोड्स भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी F12 में ही आपको ऑप्शन मिलेगा शो पेमेंट मोड्स। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन अभी डिसेबल है और इसे इनेबल करने के लिए हमें फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट को चेंज करते हुए डिटेल्ड फॉर्मेट लेना होगा। इस फॉर्मेट में आप मोड ऑफ पेमेंट को यस कर सकते हैं और इससे हमारी स्क्रीन पर
एंट्री भी आपको पूरी दिखाई देगी और साथ साथ में पेमेंट मोड भी यहाँ पर शो होने लगेगा। अब दोस्तों इस डे बुक का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है रेंज फिल्टर। जी हाँ दोस्तों, इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपनी सारी एंट्रीज में से किसी भी पर्टिकुलर एंट्री को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए हमें यूज़ करना होता है शॉर्टकट ऑल्टर के साथ F12। जैसे आप ऑल्टर F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर पैरामीटर सेट करेंगे, जैसे वाउचर्स, हैविंग। अब हैविंग के साथ इतने सारे आपको कंडीशंस मिल रहे हैं कि आप किस तरह से अपनी एंट्री को सर्च करना चाहते हैं। जैसे मैं उन पार्टीज़ के वाउचर्स को सर्च करना चाहता हूँ जिनके नाम में कहीं भी स्टार आ रहा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कंडीशन सेट की है वाउचर्स हैविंग पार्टी नेम कंटेनिंग स्टार। इतना लिखते हुए जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा हमारी सारी एंट्रीज में 3 एंट्रीज ऐसी हैं जिनमें पार्टी नेम स्टार दिया गया है, ब्लू स्टार, स्टार कंसल्टेंसी, स्टार लिमिटेड। तो इस तरह से आप रेंज फिल्टर के माध्यम से अपनी एंट्रीज को सर्च कर सकते हैं और उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं। आने वाली क्लासेस में हम इन पैरामीटर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में हमने डे बुक के सभी ऑप्शंस को करीब करीब डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने सीखा किस तरह से हमें डे बुक में एंट्रीज को डिस्प्ले करना है, डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज और वाउचर वाइज हम एंट्रीज को किस तरह से डिस्प्ले करेंगे। इसके बाद हमने एंट्रीज को डिलीट करना सीखा, एंट्रीज को सेलेक्ट करना सीखा, डुप्लीकेट एंट्रीज बनाना सीखा और एड वाउचर, इंसर्ट वाउचर, कैंसिल वाउचर जैसे महत्वपूर्ण और उपयोगी कमांड्स के बारे में जाना। लास्ट में हमने अभी रेंज फिल्टर को यूज़ करना सीखा। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली GST कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टैली GST कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको करियर प्लैनेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी। उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं।